नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष नोटियाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सब कार्य चल रहा होगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, कब आजकल बिजी होने के कारण काफ़ी समय बाद लेसन अपलोड कर रहा हूँ और आप लोगों के कमेंट में लगातार पढ़ता रहता हूँ, रिप्लाई भी बराबर करता रहता हूँ। तो दीपचंदी ताल में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी पहले से ही, और काफ़ी मेरे को एक दो दोस्तों ने पहले भी मेरे को मैसेज करके बोला था कि दीपचंदी के बीच में कुछ मतलब त्रिकिट का कुछ रेला या लग्गी सी कुछ बजाया जाता है, तो उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जो कि सरल भी हो और सभी लोग समझ सकें, ठीक है? क्योंकि अक्सर होता क्या है कि अगर किसी गाने के साथ हम दीपचंदी प्ले कर रहे हैं या बजा रहे हैं और तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें काम नहीं चाहिए होता। सीधा सीधा अगर आप ठेका बजाते हैं तो सीधा सीधा ठेका में सारे गाने ऐसे ही होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे जैसे कि कई बार होता है कि दीपचंदी में कोई गाना चल रहा है तो एंड में थोड़ा सा उसका जैसे कि ख़त्म होने वाला हो गाना, या बीच में थोड़ा म्यूजिक पार्ट में, या फिर तो वहाँ पे थोड़ा सा रेला या लग्गी टाइप का कुछ भी हम बजा सकें जिससे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे वो म्यूजिक पार्ट को सजाने के लिए, वो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ बोल हैं वो जो सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है मुझे आपको समझ में भी आएंगे वो बोल। तो स्टार्ट करते हैं कि वो बोल किस तरीके से आपने बजाना है। उससे पहले जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, उससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ठेका दीपचंदी का जो हम ठेका जो बजाते हैं वो सब अपने अपने तरीके से बजाते हैं, सब चेंज होकर बजाते हैं, ठीक है? हर आर्टिस्ट उसको अपने तरीके से बजाता है और बजाने का तरीका सबका अलग अलग है। हालांकि वो मात्रा 14 ही रहेगी और उस्ताद लोग अलग तरीके से बजाते हैं, सबका अपना अपना मतलब बजाने का तरीका अलग होता है। तो दीपचंदी का जो ठेका है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो फिर भी एक बार मैं बजा देता हूँ, ठीक है? बजाने का जो मैं खुद जिस तरीके से बजाता हूँ, कई तरीके से बज जाता है दीपचंदी का ठेका, मतलब अच्छा जो लगे आपको, खुद सुनने में अच्छा लगे और गाने में गाने आप सुनते हैं तो जिस तरीके से गाने का फील है, भाव है, उसी तरीके से मतलब ठेके का भाव आपको रखना चाहिए, ठीक है? जैसे कि तरीके से आप बजा सकते हैं। अब देखते हैं इसके बोल क्या है, ठीक है? ठीक है, धा तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट धा तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट, ठीक है? धा तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट फिर तक तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट, ठीक है? इस तरीके से बोल देखते हैं। धा दा साइड में ता बजाना आपने, यहाँ गे तो मिलके बजाना दा तेरे किट तक तेरे किट, ठीक है? तक तक तेरे किट तक तेरे किट, ठीक है? अब यहाँ पे आपने करना क्या है, ये सिर्फ नोट करने वाली बात है, सिंपल बोल है दा तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तग तग तेरे किट, ठीक है? अब इसमें हो गया है लास्ट में जो बोल है वो हम बाहर बजा रहे हैं, है त्रिकिट ही तक तक त्रिकिट तक तक त्रिकिट है, लेकिन एक तक तक हम अंदर बजा रहे हैं तक तक तेरे किट तक तक, ठीक है? तक तक तेरे किट, लेकिन इसको खुला बजा रहे हैं क्यों, क्योंकि फील और भाव इससे बहुत अच्छा आएगा बजाने में, या आपको खुला हुआ बेस में मतलब लगेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा जोर जोर से भी नहीं बजाना है, गुजरात साइड में इसका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है?
इस तरीके से ठीक है। धा धीर ईट तक धीर ईट तक तक धीर ईट तग तग धीर ईट तग धीर ईट तग धीर ईट तग तग धीर ईट तग। बोल देख ले फिर से धा धीर ईट तग धीर ईट तग तग धीर ईट तग तग धीर ईट। अब खाली तग धीर ईट तग धीर ईट तग तग धीर ईट तग तग धीर। बहुत सिंपल है। धा तेरे किट तक तेरे किट तग तक तेरे किट तग तग तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तग तग तेरे किट। ठीक है, ये बोला है। अब आपने बेस कभी कभी ये हाथ अंदर रखना है, जैसे कि धा यहाँ खुला लिया हमने, धा तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तग तग तेरे किट। ठीक है, तक तक तेरा किट तक तक। ठीक है, चीज वही बजेगी, जैसे कि धा तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक तेरे किट फिर तक तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट। ये चीज वही बज रही है। हमने हाथ कभी बाहर लिया है कभी उसको अंदर, किस तरीके से एक बार फिर से देख लें, बिल्कुल स्लो में बता रहा हूँ, पहले सिंपल बोल। ठीक है, धा तेरे किट तक तेरे किट। ठीक है, फिर आएगा तक तक तेरे किट फिर तग तग तेरे किट। ठीक है, तग 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 तेरे किट, सिंपल का ही बज रहा है। ठीक है, लेकिन ये बाहर हमने इसको बजाना है अंदर की बजाय। अगर हम इसको अंदर ही बजाएं तो अंदर भी आप इसको बजा सकते हैं, जैसे कि धा तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट फिर तक तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट। ये है बोल। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। ठीक है, लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूँ, ढोलक पे भी ये सेम बजेगा, कोई अलग नहीं है। तबले पे आप पहले इसे अच्छे से समझ लें, बेस सब कुछ सेम बजेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। धा तेर किट तक तेर किट तक तक तेर किट, इतना हो गया। फिर तक तग तेर किट, अब आएगा फिर तग तेर किट तक तेर किट तग तग तेर किट तग तग तेर किट। अब देखिए बोल जो लिखे हुए वो है धा तेर किट तक तेरे किट तक तक तेर किट तक तक तेर किट। ठीक है, फिर यहां से तक तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट। बोल ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन बजाने का जो तरीका है वो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि वो थोड़ा आपको तग तग तेरे किट भी आप बजा सकते हैं। इस तरीके से आपने ये बोल बजाना है। लास्ट में तिहाई के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि धा तेरे किट तक तेरे किट। ठीक है, इतना धा तेरे किट तक तेरे किट। ठीक है, तथा किट धा तथा किट धा नाना किट, ये फिर नाना किट भी बोल सकते हैं। धा तेरे किट तक तेरे किट नाना किट धा नाना किट धा नाना किट धा, ये तिहाई होगी दीपचंदी में। ठीक है, इसी में ये आपने तिहाई बजानी है, फिर उसके बाद ठेके पे, जिस ठेके को हम बजा रहे थे, जैसे कि धा तेरे किट तक तेरे किट, इतना बजाना है। धा तेरे किट तक तेरे किट, इतना हो गया। फिर
ना ना किट धा, ना ना किट धा, ना ना किट धा। एक बार फिर से देख लेती आई। धा धीरा किट डाक, धीरा किट ना ना किट धा, ना ना किट धा, ना ना किट धा। अब एक बार आपको ये बजा के दिखा देता हूँ मैं सारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ढोलक पे इसका कोई ऐसा कोई किसी और तरीके से ये नहीं बजना है, सेम उंगली नहीं टिकेगी, सेम वही चीज़ है, ठीक है। जैसे कि चांटी का थोड़ा फर्क है, बाकी सेम बजाना आपने। अब ये चांटी है, ठीक है, सिंपल है। धा तेरे किट तक, ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं। धा तेरे किट तक, तेरे किट तक तक, तेरे किट तग तग, तेरे किट, ठीक है, तग तेरे किट तग, तेरे किट तग तग, तेरे, सेम है। इसमें कुछ अलग नहीं है, जैसे इसमें क्रिकेट बज रही है सेम वैसे बज रही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो इस तरीके से आप ढोलक पे भी बजा सकते हैं। ये कोई अलग नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें बजाना, जैसे तबले में बताया वैसे, सिर्फ उंगली नहीं टिकती है ढोलक पे, हाथ खुला रहता है बाकी बोल सेम है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अच्छे से रियाज करें, वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और रियाज करें अच्छे से, कमेंट जरूर करें आपको लेसन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तबला ढोलक सीखें को और दबाएं बेल आइकन भी, जिससे आप पा सकें हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।